जी, कल हमने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट कर लिया था जी। यूज़ इफेक्ट क्या करता है? आपका काम वर्क कर रहा है। अगर हम किसी कोड पे लगाते तो जैसे ही वो वर्क करेगा तो वो भी वर्क करेगा। यूज इफेक्ट अगर हम डिपेंडेंसी ना ऐड करें, मीन्स के जब भी उस राउट पर आएगा तो यूज इफेक्ट के अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने डिपेंडेंसी नहीं दी तो एक दफ़ा अगर डिपेंडेंसी देंगे तो जब भी उसमें चेंजेस होगी तो वो तब दोबारा उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके जी, पेजेस और रजिस्टर में थे हम कल। रजिस्टर हमने कर लिया था और हमारा यूज़ इफेक्ट जो था वो होम में आया था, यूज़र्स में। सही है जी, ये चीज़ हमारी हो गई थी। तो उसको रन करते हैं सबसे पहले, हम स्टार्ट। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज मेमो, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रेफ। ओके जी, अपने पेज पर आए और आप यहाँ पर कंपोनेंट्स, हेडर, नेबर, जगह आप लोग यूज़ कर लें बटन, एचआरएफ खत्म कर दें, बटन को रोल की बटन नहीं दिया जाता है, ये एरर दे देता है। और डेटाबेस टॉगल ड्रॉप डाउन, एरिया एक्सपेंडेड फॉल्स, ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ पर लिखते हैं हुक्स। ड्रॉप डाउन मेन्यू ए की जगह आप लोग लिखते हैं लिंक टू स्लैश हुक स्लैश यूज स्टेट। एक्शन में यूज स्टेट, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर। जी, आपका नेवर आ गया और अब हम जाते हैं हुक्स में, पेजेस में। आप एक फोल्डर बना लें हुक्स और हुक्स में एक फाइल बन जाए। अभी जिस पे हमने काम करना है वो है यूज रेफ डॉट जे एस। आर एफ सी यूज रेफ, नेवर राउट्स में आ जाएं और राउट्स में हम बताएंगे उसको पाथ हुक्स। हुक्स है या हुक है? हुक स्लैश यूज रेफ क्रिएट किया, रेफ यहाँ पर यूज रेफ को इंपोर्ट कर दें। और जब भी अब हम इस पर क्लिक करेंगे,
अच्छा जी, बटन एस सी एस एस बूट स्ट्रैप एक और फाइल किधर पाथ जो है हमेशा स्मॉल में नहीं लिखते, स्मॉल लिखा है हमने, यूज रेफ बैक्स आपने फॉरवर्ड स्लैश डाल के लिखा है आर कैपिटल लिख दी कैमल गेस, ये इसकी वैसे लाजमी नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं अपनी मर्जी, फिलहाल इसको इस तरह कहने दें, लाजमी नहीं है ये, आप इस तरह लिख सकते हैं। हेडर में आपके पास नैब पर, नैब के अंदर जितने भी बटन हैं उसको क्या करो, आउटलाइन ज़ीरो कर दो, बॉर्डर नन कर दो और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दो। सेव कर दिया और आपके पास एप डॉट सी एस एस में इसको आप इंपोर्ट कर दें। सी एस एस हेडर सेव करें, ये एग्जीक्यूट होगा, बुक्स में आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक होगा जी, अगर हम रिव्यूज़ रेफ में, यूज़ रेफ में जाएं तो आपके पास भी यूज़ रेफ आ रहा है पेज। ठीक हो गया जी, और यूज़ रेफ में आ जाएं, क्लास नेम पी वाई फाइव डॉट कंटेनर रो कॉलम। अच्छा जी, यूज़ रेफ बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लें यूज़ रेफ। लेट सपोज आप कोई फूड पांडा जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपका डैशबोर्ड ओपन है, ऑर्डर जैसे ही आता है, डैशबोर्ड ही कहा जाता है ना, एडमिन पोर्टल कह लें या फॉर एग्जांपल एलएमएस कह लें, उसमें जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन का साउंड आपको आना चाहिए, ऐसे ही है। तो अगर आपने ऑडियो यूज़ करनी है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑडियो का एलिमेंट यूज़ करते हैं, कॉलन में आप ऑडियो एलिमेंट यूज़ करेंगे और सोर्स में आप यहाँ पर अब सोर्स एसेट्स और इस एसेट्स के अंदर आपके पास ऑडियोस और ऑडियोस में आपके पास एक ऑडियो की फाइल आ जाएगी। चलिए जी, वो ढूंढते हैं कहाँ से मिलेगी हमें, हमने मेरे ख्याल आप लोग के HTML में यूज़ किया था, HTML में असाइनमेंट फर्स्ट नहीं प्रैक्टिस ऑडियोस और ये आपका म्यूजिक डॉट MP3। अच्छा जी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने कॉपी किया डायरेक्ट नहीं, उसको हम वहाँ पर लेके जा रहे हैं कॉपी, और अभी अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में आपके एक ऑडियो आ चुकी है, यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स में म्यूजिक डॉट MP3, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम एसेट्स ऑडियोज music.mp3। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, डायरेक्ट आप पाथ यहाँ पर दे सकते थे, सोर्स में आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन आप इसको इस तरह भी इंपोर्ट करके यहाँ पर अब सिंपल, अब ये इंपोर्ट जो है ये बेसिकली एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक हो गया, तो वेरिएबल जब यूज़ करना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब क्या आएगा कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो सोर्स ये आपका ऐड हो चुका है। अब ऑडियो प्लेयर देखने के लिए हम क्या करते थे, अगर आपने ऑडियो प्लेयर देखना है तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है, कौन सा, कंट्रोल्स। ठीक हो गया जी, तो कंट्रोल्स आप लोगों ने देखना तो तब आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है हमें तब चाहिए जैसे ही ऑर्डर कोई आपका है। लेट सपोज़ यहाँ पर हम एक बनाते हैं यूज़ इफ़ेक्ट, बस वैसे ही दिखाने के लिए या समझाने के लिए,
यूज़ इफेक्ट, और जब भी इसके अंदर का कोड, जब भी ये पेज पर आएगा इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग में आप कह दें इट्स वर्किंग। ओके जी, इट्स वर्किंग। अच्छा देखें, यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर है, हम ये तो नहीं देखना चाहते हैं, ऑडियो प्लेयर की तो नहीं हमें ज़रूरत है, हमें तो सिर्फ साउंड की ज़रूरत है नोटिफिकेशन की। तो इस एलिमेंट को आप फिर एज अ फंक्शन, एज जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ रेफ की मदद से। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बना लें। बट सर, हम कंट्रोल्स भी तो ख़त्म कर सकते हैं। वो कंट्रोल्स ख़त्म तो कर देंगे, तो ये आपको ख़त्म तो कर दिया जी, प्ले होगा। अच्छा, अब होगा, लेकिन कैसे होगा वही तो देखना है। अगर कंट्रोल्स नहीं है तो फिर आप कैसे प्ले करेंगे। हमें ये प्ले तब चाहिए जब आप का कोई ऑर्डर है और उस ऑर्डर के फंक्शन के अंदर आप लगाएंगे इसको। सिंपल, तो कॉन्स्ट आप कह दें नोटिफिकेशन प्लेयर, मीन्स कि आपके पास मज़ीद काफ़ी सारे ऑडियो प्लेयर होंगे, उनमें से एक हमने नोटिफिकेशन प्लेयर बना दिया। इक्वल टू यूज रेफ, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स याद हैं, एरे स्ट्रिंग नंबर ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटा टाइप हमें नहीं चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा फिर, अनडिफाइंड नल। ठीक है, मींस के हमें कोई डेटा टाइप नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक डेटा टाइप तो हमें दरकार होगी, तो वो आपकी होगी नल। मींस के इस टाइम नोटिफिकेशन प्लेयर जो है वो कुछ भी नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब ये एक एरर होता है, नल का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं। तो नोटिफिकेशन प्लेयर इस टाइम कुछ भी नहीं है जैसे ये पेज एग्जीक्यूट हुआ। तो अब ऑडियो में हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे रेप, और रेप में आप पास कर देंगे नोटिफिकेशन प्लेयर, नोटिफिकेशन प्लेयर। ओके जी, अब यहाँ पर आप इसको कंसोल डॉट लॉग नोटिफिकेशन प्लेयर करें तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। सेव करें तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी कौन सी है, करंट है। तो जब भी आप यूज़ रेफ यूज़ करते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है और उसमें आपको करंट मिलता है लास्ट में। नोटिफिकेशन प्लेयर डॉट करंट, सेव करें तो आपको देखें पूरा का पूरा वो एलिमेंट मिल गया। ठीक हो गया जी, तो अब आप इसमें बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्ले, प्ले पॉज, स्टॉप, फॉरवर्ड, प्रीवियस, तो इस तरह के। ये डॉट करंट हमें मिलता है, मैं लिखना डॉट करंट हमें मिलेगा लाजमी इस यूज रेफ की वजह से, तो हमें लगाने की जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं हमें मिलता है यहाँ पे, हाँ दिखाया ऐसा नहीं, ऐसे आएगा। ये नोटिफिकेशन पेयर अब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट एक प्रॉपर्टी है, और करंट प्रॉपर्टी में आपका पूरा का पूरा ऑडियो प्लेयर है। अब देखें, मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो ये रिफ्रेश हुआ, यूज़ इफेक्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखें, हमारे पास ऑडियो प्लेयर तो नहीं है, लेकिन आपको उसकी जो भी इसमें साउंड होगा वो आपको नज़र आएगा, सुनने को आएगा। सेव करें, अब ये आपको आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया जी, आप इसको स्किप करके सेव करें, रिफ्रेश कर दें, तो अब ये पॉज हो जाएगा। ये तो बेसिकली वैसे एक मतलब था, आप नोटिफिकेशन साउंड वगैरह फिर आप लोग वो यूज़ करेंगे। तो ये है इसका सिंपल, अगर आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें और नोटिफिकेशन प्लेयर, अब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करें, सेव करें, तो यहाँ पर आपके पास करंट में अब क्या आ रहा है, नल आ रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने रखी थी वो नल रखी थी। ठीक हो गया, तो नोटिफिकेशन प्लेयर डॉट करंट आपको मिलना ही मिलना है। जब भी आप यूज़ रेफ यूज़ करेंगे उसमें आपको करंट प्रॉपर्टी मिलनी ही मिलनी है, उस करंट के अंदर आप जिस भी एलिमेंट में लगा रहे हैं आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। लेट सपोज हम इसको अगर दे दें, फिर इसका टाइम ड्यूरेशन हम रख देंगे अभी जाके, वो अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी है। हाँ जी, वो सारी अपनी मर्जी है। रेफ में आप नोटिफिकेशन प्लेयर पास करें तो अब आपके पास देखें वो वाला
एलिमेंट आ गया। हमने क्या किया, रेफ में, रेफ का मतलब रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस हमने नोटिफिकेशन प्लेयर का पास कर दिया इस एलिमेंट को। तो अब जिस भी एलिमेंट को पास करेंगे वो पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा, उस एलिमेंट के अंदर मजीद ये सारी चीज़ें आर ई एफ। तो ये बेसिकली आपका यूज रेफ है। जी क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का? जी रिजवान भाई, फिर यूज़र ऑफ यूज़ करेंगे देन ही हमें नीचे आके रेफ का बेनिफिट होगा, जाहिर सी बात है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं, वरना नोटिफिकेशन प्लेयर क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी कि अक्सर वेबसाइट में देखा गया है कि रेफ लिखा होता था, ये रेफ एट्रीब्यूट इसीलिए यूज होता है, इस वजह से होता है। सर यहां हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, हम कंसोल में प्रिंट करेंगे किधर? नहीं, वहाँ पे हमने डायरेक्ट कर देना है ना, वहाँ पे जैसे उस पे हम लगाएंगे जैसे ऑर्डर आता है, नोटिफिकेशन प्लेयर डॉट करंट डॉट प्ले कर दो, सिंपल। तो जो ये जैसे हमारा ऑर्डर है उस पे, हाँ जी, जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुल होगा मींस के जहाँ पे आपका कोड खत्म हो जाएगा कि यूजर में से ऑर्डर आ गया, अच्छा उसी फंक्शन के नीचे, उसी फंक्शन के अंदर आएगा, उस फंक्शन के अंदर आएगा, मींस के फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, बल्कि ऑर्डर जो आ रहे होंगे ना वो आपके यूज इफेक्ट के अंदर ही आ रहे होंगे, आपने कोड उसमें ही लिखा होगा डेटाबेस से डाटा मंगवाने के लिए। तो जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा उसमें आपने फिर ये नोटिफिकेशन प्लेयर डॉट करंट डॉट प्ले लगा देना है। ओके जी, यूज रेफ हो गया आपका, और ये तो चलता रहेगा इसको रोकने के लिए, फिर पॉज़ नहीं, ये चलता नहीं रहना, इसने एक बार ही बस कंप्लीट होना है। अच्छा वो उतने सेकंड का होगा, जाहिर सी बात है उतने सेकंड का होगा, स्टॉप होता है पॉज होता है इसमें, पॉज प्ले स्टॉप डॉट करंट play fail because the user didn't interact with the first, ref equal to notification player, जी क्लियर है यूजर है। ओके जी, उसके बाद आ जाते हैं हम हुक्स में, यूज मेमो डॉट जे एस, में आपके पास
फ्रूस मेमो कंपोनेंट आ गया। यूज मेमो बेसिकली करता क्या है, थिंक ऑफ मेमोराइजेशन एज कैशिंग अ वैल्यू सो डैट इट इज़ नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड। कैशे का तो सारों का ही पता होगा, आपका डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर हो जाता है आपके ब्राउजर में या फिर जहाँ पर भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें कैशे में स्टोर हो जाती हैं। अच्छा, जिस तरह बूट स्टेप था हमारा, लेट्स सपोज आप लोगों ने CDN लगाया हुआ है, डाटा जो आ रहा है वो तो नेट से ही आ रहा है, ऐसे ही है सीडिंग, आपने डाउनलोड तो नहीं किया, लेकिन जब आप एक बार इसको यूज़ कर चुके हैं, आप लोग नेट बंद करके रिफ्रेश भी करें तो आपको बूटस्ट्रैप का लेआउट वैसे ही नज़र आता है, ऐसे ही है। तो वो आपका डाटा जो है वो कैशे में स्टोर हो जाता है। तो ये भी बेसिकली वही है यूज़ मेमो। मेमो जो लफ्ज़ है वो निकला है मेमोराइज से, ठीक हो गया। तो द यूज़ मेमो हुक ओनली रन वैन वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसीज अपडेट, कि यूज़ मेमो हुक तब काम करता है जब इसकी डिपेंडेंसीज कोई भी एक डिपेंडेंसी अपडेट होती है। जिस तरह यूज़ इफेक्ट में था, कोई भी एक डिपेंडेंसी का डाटा चेंज होता था उसके अंदर का कोड दोबारा एग्जीक्यूट होता था, तो इसमें भी ऐसी है, दिस कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एक कोड हम यूज़ करते हैं इसका, क्या रिएक्ट यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया, फंक्शन यूज मेमो जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर हमने क्या कर लिया, काउंट सेट काउंट, यूज स्टेट क्या है डिफॉल्ट वैल्यू 0, टू डूज और सेट टू डूज, डिफॉल्ट टू डूज क्या है ब्लैंक कह रहे हैं, कैलकुलेशन में कॉन्स्ट कैलकुलेशन इक्वल टू एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चल रहा है, ऐसे ही है जी। कोड को ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि समझ लगे, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन क्या बना हुआ है, एक फंक्शन है, ठीक हो गया। उस फंक्शन के अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, काउंट, और ये काउंट कहाँ से आ रहा है इसमें से, ठीक हो गया जी, काउंट। अब यहाँ पर कॉन्स्ट इंक्रीमेंट एक फंक्शन बना रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं सेट काउंट के जितने भी काउंट हैं उसमें एक काउंट ऐड कर दो, एक इंक्रीमेंट हो रहा है बस, इंक्रीज हो रहा है। और कॉन्स्ट ऐड टू डू में जितने भी पुराने टू डूज हैं उसमें एक न्यू टू डू ऐड कर दो, ये स्प्रेड हो रहा है। जिस तरह आप ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करते हैं उसी तरह आप एरे को भी स्प्रेड कर सकते हैं। हमने रेक को इम्पोर्ट किया, यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लिया, कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, ये तो यूज स्टेट सिंपल बनी हुई है, और टू डूज और सेट टू डूज ये भी एक यूज स्टेट है। डिफॉल्ट काउंट कितने हैं 0 और डिफॉल्ट टू डूज कितने हैं ब्लैंक कह रही है। हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेशन का, सॉरी एक कॉन्स्ट कैलकुलेशन, उसमें वैल्यू किसकी है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और उसमें हम पास क्या कर रहे हैं एक पैरामीटर काउंट, और ये काउंट कहाँ से आ रहा है उस यूज स्टेट से, ठीक हो गया जी। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन बेसिकली नीचे यूज हो रहा है, क्रिएट यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, ठीक हो गया जी। ऊपर से हम काउंट भेज रहे हैं और काउंट यहाँ पर आ रहा है एज अ नम, कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेटिंग फोर लूप चल रही है, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस num प्लस इक्वल टू 1 और रिटर्न कर दो num, ये रिटर्न होकर किस में स्टोर हो जाएगा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में, और एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को हम यहाँ पर एज अ
कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं उसकी जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी कैलकुलेशन में, और इस कैलकुलेशन को हम नीचे यूज़ कर रहे हैं बस। सिर्फ बस उसको नीचे जो ये कोड लिखा है इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते, ऊपर भी लेके जा सकते हैं अपनी मर्जी। काउंट में काउंट आ रहे हैं और कैलकुलेशन में कैलकुलेशन, दिखाने का मकसद जो है वो ये है कि हुक्स यूज मेमो। अच्छा जी, माई टू डूज, और अगर आप इसको टेक्स्ट सेंटर करते हैं तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली ना ये टाइम बहुत ले रहा है, आप रजिस्टर पर आए तो आपका पेज साथ ही लोड हो गया, लॉगिन पर आए कॉन्टैक्ट अबाउट होम पर आ गए, सारे काम परफेक्ट हो रहे हैं। इसमें यूज़ रैप में आए तो यहाँ पर आपका यूज़ रैप था ऑडियो क्लिप, बेसिकली इसमें कुछ भी नज़र से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप चले लॉगिन से आप हुक्स में आए मेमो में, तो ये देखिए टाइम ले रहा है, कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग, और काफ़ी देर के बाद आया, ऐसे ही है, इसने टाइम लिया है। लॉगिन पर आएँ, हुक्स पे दोबारा यूज़ मेमो पे आएँ, तो ये टाइम ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बार सिस्टम हैंग हो गया और उसके बाद बेसिकली ये लूप चला रहा है। लूप कितनी बार चल रही है, इतनी बार, ये हैं कितने, कड़ा हज़ार, दस हज़ार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़ और एक अरब, वन मिलियन, कैसे वन मिलियन, दस लाख होता है, वन मिलियन दस लाख, ओके जी। तो ये आपका इतनी बार दरअसल लूप चल रही है, इस वजह से ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो रहता है। अगर आप इसमें लेट सपोज एक दो तीन ख़त्म कर दें, ठीक हो गया, वैल्यूज आपकी काफ़ी कम होगी, सेव किया, रजिस्टर पर आए, अब दोबारा से हुक से आप यूज़ मेमो में आए तो वो साथ ही आ जाता है। लेकिन जैसे आप लूप की लिमिट इंक्रीज़ करते हैं तो वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं और वो टाइम जो है लेता है इसको परफॉर्म करने में, तो इस वजह से वो टाइम ले रहा है बेसिकली। अब देखें, हम एक बार काउंट करते हैं तो वो टाइम ले रहा है, और यहाँ पर दोबारा से एक काउंट करते हैं तो वो टाइम ले रहा है। मैं ऐड टू डू करता हूँ तो वो दोबारा से टाइम ले रहा है टू डू ऐड करने में भी। होना क्या चाहिए था, अगर एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है उसकी तो समझ लग रही है, तो मैं जैसे इंक्रीज़ करता हूँ उसके अंदर का कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप चल रही है। लेकिन जब मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ, ऐड टू डू में तो नहीं ऐसा आना चाहिए था, ऐड टू डू तो साथ साथ आना चाहिए था, इसका तो कोई लिंक ही नहीं बनता उसके साथ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ मेमो यूज़ करते हैं। करते कैसे हैं, यहाँ पर आप अब सबसे पहले यूज़ मेमो। अच्छा जी, ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाला फंक्शन जो है ये तब चलना चाहिए जब काउंट हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर ये कैलकुलेट होना चाहिए। ऐड टू डू करें तो तब इसको कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, दोबारा से रेंडर नहीं होना चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन इसको आप करेंगे यूज मेमो, ये कर दिया आपका फर्स्ट पैरामीटर फंक्शन बन गया, ऐसे ही है। सेकंड पैरामीटर में आप डिपेंडेंसी ऐड करेंगे कि ये तब बस चले जब काउंट में चेंजेस हो। हम इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो इस पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट वाला फंक्शन चल रहा है, और इंक्रीमेंट वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, सेट काउंटर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और काउंट आपका चेंज हो रहा है। तो नीचे जाके अब हम कह रहे हैं जब भी काउंट चेंज हो तब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। अगर मैं ऐड टू डू करूं वैसे ही सिंपल, अब देखिएगा इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये आपका आ गया, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो उसने टाइम लेना है, चेंज हो गया। लेकिन अब मैं ऐड टू डू कर रहा हूं तो वो आपका उस टाइम ही हो रहता है। तो ये यूज़ मेमो की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो फास्ट हो चुकी है। जी दोबारा से करें,
सर ये जो सेकंड पैरामीटर हम देते थे तो ये किस पर्पस के लिए हम देते थे? ये जी ये डिपेंडेंसी है, जिस तरह यूज इफेक्ट में हम दे रहे थे यूज इफेक्ट, लेट्स सपोज यूज इफेक्ट ये आपका बनता है ना यूज इफेक्ट बेसिकली, इसको तो हम एंटर करते हैं तो आपका ये इस तरह सेकंड पैरामीटर में हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं जब भी वो चीज़ चेंज हो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था होम पे यूजर्स, जब भी स्टेटस चेंज हो या लिमिट चेंज हो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो। उसी तरह यहाँ पर जब भी काउंट चेंज हो तो सिर्फ तब उसका कोड एग्जीक्यूट हो उसके अंदर का, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। टू डूज चेंज होते रहें तो कोई इशू नहीं है, आपकी स्पीड जो है वो अब बेहतर होगी है परफॉर्मेंस आपकी। टू डू को तो हमने लगाया नहीं, हमने कौन सा लगाया जी? टू डू जल्दी से हो रहे हैं। हाँ जी टू डू जल्दी हो रहे हैं ना, तो टू डू को तो हमने लगाया नहीं, हमने सिर्फ इस पे लगा दिया। हमने यूज मेमो लगाया कि इसकी वैल्यू को, हमने यूज मेमो लगाया है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन चला दिया है, तब चले जब भी अकाउंट की वैल्यू चेंज हो। तो इसका जितना भी कोड होगा, मींस कि अगर 1000 वैल्यू है ये उसको मेमोराइज कर लेगा। जी जी यूज मेमो टू डू पे लगाना चाहिए, नहीं एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में लगेगा ना, क्योंकि इसके अंदर हम काउंट की वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर हम टू डू पास कर रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है पास करने की, हमारी लॉजिक नहीं ना बन रही है। टू डू तो आप तब पास करेंगे जब आप टू डू के साथ खेल रहे हो, टू डू तो हम सिर्फ सिर्फ ऐड कर रहे हैं। बेसिक ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो है ये डिपेंड कर रहा है इस काउंट पे, ऐसे ही है। जब भी ये काउंट इंक्रीज होगा, जब भी अकाउंट इंक्रीज होगा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाला फंक्शन चलेगा, और एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, लेट आई लूप चला रहे हैं। जब भी काउंट चेंज होगा तो तब तब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको एक बार कर देता हूँ, सेव करें, ऐड टू डू इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन उसके अंदर का कोड नहीं चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो है वो इसके अंदर है यूज मेमो के, और डिपेंडेंसी में हमने क्या किया है ब्लैंक, तो मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक बार ही चलेगा। ओके जी, बाकी नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। बाकी आपका यूज मेमो और यूज रेफ जो है वो हो चुका है, बाकी रिवीजन इसकी दोबारा से आगे कर लेंगे। यूज मेमो, यूज स्टेट में हमने एक काउंट ले लिया, काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है जीरो, और टू डू हमने क्या ले लिए ब्लैंक एरे, ठीक हो गई। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में हम क्या भेज रहे हैं काउंट, काउंट इस टाइम क्या है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में हम पास क्या कर रहे हैं काउंट, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चला और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा नंबर। ये तो हमने अपनी फाइल का नेम रखा है ना, अपने कंपोनेंट का नेम रखा है, ये हमने खुद से किया है, ये आप फंक्शन उसका यूज मेमो हुक का ये वाला जिसमें यूज स्मॉल है, ये बिल्टिंग है और वो हमने बनाया। ओके जी, काउंट में हम क्या भेज रहे हैं इस टाइम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं पैरामीटर, उस काउंट में क्या है जीरो है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास जीरो। ओके जी, लेट्स सपोज नम, और नम यहाँ पर इस टाइम क्या है जीरो, जीरो प्लस वन इक्वल टू जो भी करते जाएंगे वो आपका वो हो जाएगा, और रिटर्न कर दो नम। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में नम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी,
और यहाँ पर वो चीज़ बन जाएगी और वो स्टोर किस में हो जाएगा, कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन हम नीचे रेंडर करवा रहे हैं। ठीक हो गया जी। कॉन्स्ट इंक्रीमेंट एक फंक्शन बनाया है और सेट काउंट, सेट काउंट। अब यहां पर बिना एक इस तरह सेट काउंट के अंदर मजीद आप एक फंक्शन बनाते हैं, लेकिन यहां पर अब कर्ली ब्रेसिस की जगह आप यही यूज करते हैं पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में आपको पुरानी स्टेट मिल जाती है, मींस के पुराना जितना भी डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो सी में कुछ भी लिखते यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ए भी लिख दें तो वो ए काम करेगा। ओके जी, अब यहाँ पर पुराना डाटा जो भी है ए प्लस वन कर दो। पुराना डाटा कितना है इस टाइम? ज़ीरो है। ज़ीरो प्लस वन करें तो क्या बन जाएगा? वन। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वन। दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे तो अब पुराना डाटा क्या है? वन। यहाँ पे भी वन आ गया तो वन प्लस वन करेंगे ये क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो ये इस तरह काम कर रहे हैं। उसी तरह ऐड टू डू में पुराने टू डूज आ जाएंगे सारे। अब टू डू क्योंकि एक एरे है तो हमने एक एरे ले लिया, पुराने जितने भी टू डूज हैं वो स्प्रेड कर दिए और उसमें एक न्यू टू डू ऐड कर दिया। अगर हम ये यूज मेमो नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? जब भी यहां पर काउंट, जब भी काउंट इंक्रीमेंट हो या फिर टू डूज में कुछ भी चेंजेस हैं तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा दोबारा से, वो टाइम लेगा। अभी देखें, इंक्रीमेंट किया, कैलकुलेटिंग, और ये टाइम आ गया। ऐड टू डू करें तो तब भी ये टाइम ले रहा है और ऐड टू डू ऐड करवा रहा है। हम चाहते हैं कि क्योंकि एक्सपेंसिव कैलकुलेशन डिपेंड कर रहा है इस काउंट पर, तो जब भी काउंट चेंज हो तब भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाला बाकी ना वो हमें डिस्टर्ब करे। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ मेमो में ले आते हैं और यूज़ मेमो में हम डिपेंडेंसी ज़्यादा, जैसे इस पे लूप वगैरह चले तो सिर्फ इसको यूज़ मेमो में लाएंगे। हाँ जी, बेसिकली काम तो हमारा वही डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस वजह से आप उसको एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और अब यहाँ पर आप क्या पास करेंगे? काउंट। जब भी काउंट चेंज हो तो तब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप कर्ली ब्रेसिस इस तरह लगा रहे हैं, हमने अरे फंक्शन बनाया ना, अगर आप कर्ली ब्रेसिस यूज़ करें तो फिर आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप कर्ली ब्रेसिस नहीं यूज़ करेंगे। ओके जी, सेव किया। अब ऐड टू डू करें तो वो परफॉर्मेंस इशू करेगा, लेकिन जब आप काउंट पे क्लिक करेंगे तो जाहिर इस पर ये तो लूप चल रही है तो उसने तो काम करना ही करना है इस तरह। उसके अंदर दोनों के अंदर काउंट हमने लिखा हुआ, अगर हम टू डू वेरिएबल लिख दें यहाँ पे, अगर आप दोनों के अंदर, दोनों के अंदर मतलब किधर? काउंट वाला पहला यहाँ पे तो ना कर सकते हैं, ये तो काउंट आप यहाँ से भेज रहे हैं, इसकी जो भी वैल्यू होगी ये तो हम यहाँ से भेज रहे हैं। अगर हम यहाँ पे टू डूज भेज देते हैं तो अब हम क्या भेज रहे हैं? एक एरे भेज रहे हैं। तो नीचे जब आप आएंगे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ब्लैंक एरे। तो ब्लैंक एरे प्लस इक्वल टू वन हो सकता है, ये नहीं ना बनेगा। तो यहाँ पे तो हमें काउंट ही चाहिए होगा। यहाँ पे अगर अब आप टू डूज करें तो ये तब काम करेगा जब टू डूज चेंज होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको, आप इसको चेंज करते जाएं, इसने नहीं चेंज होना है, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐड टू डू करूँगा तो यहाँ पे अब काउंट क्या है? 14 है। यहाँ पे काउंट क्या आ जाएगा?
14, तो यहाँ पर अब एक बार ही लूप चल जाएगी। हमें ऐड टू डू किया, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ, और तो यहाँ पे देखें आपके पास एक बार ही वो डाटा आ गया। अब मैं दोबारा से ऐड टू डू ही करता हूँ तो ये कोड चेंज नहीं होगा, क्योंकि काउंट जो है 14 ही है। ऐड टू डू करेंगे तो काउंट 14 ही है, लेकिन इसको मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ 31 हो गया। ऐड टू डू करेंगे तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो इस तरह की लॉजिक है, ये कितने लगती है ये सामने ही आपके नहीं मतलब ये कहाँ जब लूप डिपेंड है ना, कि लूप अगर आप कहीं पे चला रहे हैं इस तरह जहाँ पे बहुत सारा डाटा आ रहा है तो फिर आप यूज़ मेमो यूज़ करेंगे। हाँ जी, लेट सपोज आपके पास कोई थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं तो फिर आप इस पर यूज़ मेमो यूज़ करेंगे। अगर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स ही हैं तो फिर आपको यूज़ मेमो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हम कह रहे हैं ना, जब हमारे दो चीज़ें आ रही हैं इस टाइम, हमारे पे टू डूज भी एक चीज़ है। अगर टू डूज ना हो यहाँ पर तो फिर हमें यूज़ मेमो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तो फिर काउंट से ही काम कर रहे हैं, तो काउंट तो जब चेंज होगा उसने तो कोड एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो ये परफॉर्मेंस इशू नहीं बनेगा। ये सिर्फ टू डूज की वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जी क्लियर है इतना? जी हाँ जी, रेंटिंग को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सर वो चले गए दोनों, वो दोनों चले गए, वो कहते देखिए। अच्छा नहीं कॉल कॉल आई। ओके जी, यूज रेफ की जगह अब आपके पास टेक्स्ट राइट जी, यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया, और अब आपके पास राउट्स में अच्छा जी, आपको कुछ डाटा चाहिए, लेट सपोज हम यहाँ पर जल्दी से बनाते हैं, मैं आपके सामने कर रहा हूँ जिससे कि समझ आने लगे वो पूछ लीजिएगा। कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट इनिशियल वैल्यू इसकी 0, कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, और जब भी हम इस पर क्लिक करें तो सेट काउंट हो जाओ, पुरानी आपको स्टेट मिलेगी, पुराने काउंट में सी प्लस वन कर दें। वो एक है ना, तो एक में फिर ये पुराना डाटा आ गया आपके पास। इस टाइम पुराना डाटा आपके पास क्या है? 0 है, ठीक हो गए थे, तो यहाँ पे भी आपके पास 0 है। डिक्रीमेंट में हम क्या करेंगे? माइनस वन कर देंगे। और कॉन्स्ट हैंडल रीसेट, और इसमें हम क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू क्या आपके पास? 0 है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम कुछ बटन्स बना देते हैं। बटन क्लास नेम btn सक्सेस इंक्रीमेंट, उसमें हमने क्या चलाना है? ऑन क्लिक पे हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल इंक्रीमेंट आ गया। हम काउंट को दिखाना चाहते हैं नीचे, तो आप पी में काउंट
कॉलन को आप करते हैं टेक्स्ट सेंटर, इसको यहाँ से आप ख़त्म करते हैं बेशक, और क्लास एम पी ज़ीरो एम वाई डैश करते हैं 3, और इस बटन को अब आप नीचे ले आए, इसको आप कर दें डेंजर और हैंडल कर दें डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आ गया आपके पास, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और सक्सेस। बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कॉन्टेक्स्ट हुक क्लास नेम करते हैं इंक्रीमेंट 0 डिक्रीमेंट, और यहाँ पर एक आप एचआर ले लें, और यहाँ पर आप रीसेट और हैंडल क्या करें रीसेट, सेव किया तो आपके पास रीसेट का बटन। इंक्रीमेंट पे जब भी क्लिक करेंगे वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट पे जब भी क्लिक करेंगे वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये माइनस में भी चली जाएगी। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन की मदद से, या फिर आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, काउंट ग्रेटर देन 0, अगर काउंट बड़ा है 0 से तो तब डिक्रीमेंट हो, ऐसे ही है तो आप कर देंगे तब, अदरवाइज या फिर आप इसको वैसे ही एंड कर दें। इफ़ काउंट ग्रेटर देन 0 तो तब सेट काउंट करें, अगर वैल्यू आ जाएगी 0 तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी जी। अगर काउंट है, अगर काउंट बन जाए इस टाइम ये है 0 तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स जी। आसिम भाई, आसिम नाम है, क्या नाम है, आमिर जी, आमिर भाई, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है जी। रिजवान भाई जी, शहजादे दानियल भाई जी, आपको ट्रू लग रहा है, फॉल्स है जी, जी तो क्या 0 बड़ा है 0 से, तो ये फॉल्स है। छुट्टियाँ और करनी है आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, तो मींस के हम इफ कंडीशन बस यूज़ कर रहे हैं, एल्स नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं अपनी मर्जी है, आप इसको सेम इसमें कर सकते हैं। इफ काउंट ग्रेटर देन 0 तो फिर क्या करें, ये चीज़ करते हैं, ये सेम चीज़ ही बन रही है, या फिर आप इसको भी इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ से ख़त्म करते हैं, ये सेम चीज़ बन रही है जी। तो अब देखें हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, पैरेंथेसिस आपकी आ गई, उसकी जगह आपके सिर्फ सिर्फ दो ये चीज़ आई है, एंड ऑपरेटर इफ को शो कर रहा है यहाँ पे, मींस के सिर्फ एक कंडीशन, अगर आप इफ एल्स यूज़ करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका यहाँ पर ये चीज़ बनती है, और जी दो ही लगते हैं सेट काउंट, फिर आपका ये 0 बनता है इस तरह। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया जी आपका ये। अब ये आपकी वैल्यू जो है रीसेट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो 0 से नीचे नहीं जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब मेन जो चीज़ दिखाने वाली है, इंक्रीमेंट का डाटा आ गया आपके पास, ये 10 मैं होम पे अगर चाहता हूँ तो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ। अब तक आपने जितने तरीके पढ़ लिए हैं कैसे करवाएंगे, पे पेज पे लेकर आना है, हमने होम पे लेकर आना है, हमने किसी भी पेज पर लेकर आना है, सिर्फ इस काउंट को, इस काउंट को, इस काउंट को आपने आप पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी दिखाना चाहते हैं तो आप कैसे दिखा सकते हैं, तो प्रॉप्स में आप क्या करते हैं, आप उस एलिमेंट को कॉल करते हैं यहाँ पर, ऐसे ही उस एलिमेंट को कॉल करेंगे और फिर आप उसमें पास कर रहे होंगे प्रॉप्स, लेकिन वो एलिमेंट तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर उसको कॉल कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसने तो रेंडर हो जाना है, ऐसे ही है। लेट सपोज मैं होम में, अबाउट में, कॉन्टेक्ट में, हर जगह दिखाना चाहता हूँ, तो वो तो एक पेज में हर जगह रेंडर हो जाएगा,
ये पॉसिबल तो नहीं है। आपने कहा था जो भी अपना हमें डाटा चाहिए हो ना उसकी एक फाइल बनाओ, उसको जहाँ पे मर्ज डाल दीजिए, कॉल कर लो। इस टाइम हम तो इस पे काम कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंट पे। ये डाटा आपका इस टाइम यहाँ पर ही मौजूद है इस काउंट पे। जी नहीं, अभी तक आपने, फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पर हूँ, मैं आ जाता हूँ अबाउट पे, मुझे यहाँ पे वो इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैं उसको कैसे गेट कर सकता हूँ? जी हर जगह, पूरी एप्लीकेशन में हो। यहाँ पे देखें, ये दोबारा से ज़ीरो हो गया क्योंकि पेज दोबारा से हम उस पर आए हैं। इंक्रीमेंट करें तो अब ये इस टाइम सिर्फ 7 है। मैं चाहता हूँ कि ये होम पर आऊँ या फिर मैं अबाउट पे आऊँ, तो मुझे वो डाटा वो नज़र लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट। एक तो कॉन्टेक्स्ट का है ना, अब तक आप लोगों ने जो पढ़ लिया है वो कैसे पॉसिबल है? नहीं, प्रॉप्स के जरिए तो नहीं किया। ये काउंट है यहाँ पर इस टाइम मौजूद है, ठीक है। हम जब भी ये हैंडल इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो रही है। हमें पूरी एप्लीकेशन में वो डाटा कहीं पे भी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? जी फैसल भाई, डाटा ये इस टाइम टेम्परेरी डाटा है ना, ये इस टाइम डाटा टेम्परेरी, इसी डाटा को आपने यहाँ पे लेकर आना है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ किया हुआ भी है, जो कैसे कर सकते हैं? वैसे लेके आना है जो ऊपर जाके एप्लीकेशन में से जाते हैं। हाँ जी आमिर भाई, जी सर, दो कॉल बैक तो नहीं होगा और कुछ? जी साद भाई, जी फरुख साहब, प्रॉप्स का तो ये है ना, लेट सपोज मैं यहाँ पर ही, बल्कि चलें यहाँ पर लास्ट में जाके मैं अबाउट को मैंने कॉल किया। हाँ जी, हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। आप लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाएं और पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर लें, गेट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। आप यहाँ से सेट करें, किसी भी पेज पे जाके आप उसको गेट कर लें, तो वो पॉसिबल है। ये कब का आपने? वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाके डाटा स्टोर होता है। अच्छा, वो जरिए वो एप्लीकेशन का कह रहे थे, लोकल स्टोरेज का ही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन बोला उसकी। मैंने कहा ऐप के अंदर जाके हमारा डाटा सारा आ जाता था ऐप के अंदर, जो वो टू डू ऐप में हम एप्लीकेशन का फोल्डर नहीं आता जहां हमारा डाटा स्टोर होता है, ये लोकल स्टोरेज में जाके। वो तो मुझे पता है, उसमें तो एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, इंडेक्स डीबी है। ओके जी, तो उसकी जगह फिर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, तो करना है अभी? जी नहीं, कल लंबा काम हो जाना है, मौसम पहले जी का। अच्छा सर, ये वो बता दें, नेविगेट किस हम नोट करते हैं? नेविगेट मतलब एक रोड से दूसरे रोड को हमने जाना है, नेविगेट करके तो हम एक तो वैसे रोड लगा लेते हैं, हम वैसे एक पेज से दूसरे जो आप यहाँ पर लिंक लगाना, सिंपल फॉर एग्जांपल हम यूज कॉन्टेक्स्ट के पेज में हैं, सोर्स कंपोनेंट्स पेजेस हुक्स के पेज पर हम आ जाते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आप इंपोर्ट करें लिंक, कहाँ से करेंगे इसको? रिएक्ट राउटर डोम से। अब लेट्स सपोज आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं, एचआर लिंक गो टू होम टू फॉर टू लास्ट नेम btn वार्निंग गो टू होम करेंगे तो होम पर आ जाएगा। लिंक को जो मर्जी वो दें, तो वो क्लास दें, जस्ट मैं बता दूं बेसिकली लिंक करता क्या है। हमने लिंक पर क्लिक करना है, हम उसमें टू क्या कर रहे हैं? वो तो पाथ दे रहे हैं ना, टू हमने पाथ दे दिया, पाथ क्या दिया है? होम। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये इस राउट पर लेकर आएगा,
हमने जैसे इस पे क्लिक किया ये लेकर आ गया इस पाथ, ठीक हो गया, इस पाथ पर ले आया। अब इस पाथ को मैनेज कहाँ पे कर रहे हैं, राउट्स में कर रहे हैं, कि पाथ जब ये वाला है तो आप कौन सा एलिमेंट शो करवाओ, पाथ हम कुछ भी होम करवाओ, वो तो लाजमी है। रूट जो आपका बनेगा वो आपका फॉरवर्ड स्लैश सिंपल बनेगा जी। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन रजिस्टर हुक, लेट सपोज हमने एक बनाई है पेजेस कुछ है, हुक के अंदर यूज कॉन्टैक्ट, हुक के अंदर यूज में, हुक के अंदर ही यूज रहता है। जिस तरह आप लोगों के कोर्सेज हैं, कोर्सेज के अंदर आपके बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, बुक्स हैं आपकी, बुक्स के आगे काफ़ी सारे बुक्स आ जाएंगे, उसी तरह अबाउट में आपके पास मजीद आता है। जिस तरह सीरत में ही कह लें अबाउट कंपनी, अबाउट फाउंडर, अबाउट टीम, तो ये सारे आपके अबाउट के सेक्शंस बन जाते हैं। इसके ऊपर भी हमने लिंक लगाना होगा, ऐसे बस लिंक लगा, हाँ जी सिंपल ये होता है। जिस तरह एंकर टैग था आपका, ये देखें अबाउट पे, जैसे आप सीरत में आएंगे तो ये आपका अबाउट लेकर आ गया, सीरत, अबाउट फाउंडर और अबाउट टीम, तो ये आपका बेसिकली उस पर लेके आता है इस पाथ पे। और इस पाथ पे हमने कौन सा एलिमेंट दिखाना है ये हम राउट्स की फाइल में डिफाइन करते हैं। जी कोई सवाल हो किसी का, एनीवन? हाँ जी शहजादे दानियाल, छुट्टी करने का कोई फायदा नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, एक छुट्टी करते हैं आप कह लेंगे एक महीना पीछे चले जाते हैं, ये हिसाब है। सर जी मुझे वो ना अपना इनलाइन स्टाइलिंग बस एक मतलब अगर के करना है, मुझे इनलाइन स्टाइलिंग किस में करनी है आपने, यूज कॉन्टेक्स्ट में किसी भी एलिमेंट को करोगे, हमें डिव ले लेते हैं, डिव को विथ इसकी 100% होती है, हाइट इसकी कुछ भी नहीं होती है, स्टाइल एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हाइट आप इसकी कितनी देना चाहते हैं, लेट्स सपोज 500 पिक्सल्स, कोमा लगाएंगे, बॉर्डर अब अगर स्ट्रिंग यूज़ करें तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, चले आप इसको येलो कर दें कि नज़र आए, और उसके बाद कोमा, इसको आप जी बॉर्डर रेडियस दें, बॉर्डर रेडियस में आप इसको 4 कह दें, सेव करें। तो यहाँ पर आपके पास हुक्स में यूज कॉन्टेक्स्ट, तो ये देखें आपके पास येलो की जगह रेड कर दें तो ये रेड हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस आप इसको 40 कर दें ये प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका, ठीक हो गया जी। जी कोई सवाल हो किसी का, मैंने आपको मैसेज किया तो ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक हो गया। आप लेफ्ट हो गए थे, नहीं वो बाबा के फोन से।